जोन ऑफ साइलेंस उर्फ मैपिमी साइलेंट जोन मैक्सिको के बोलसोन दे मैपिमी के पास स्थित ये एक रेगिस्तानी इलाका है। ये जगह देखने में ही काफ़ी वीरान लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जगह का जोन ऑफ साइलेंस नाम कैसे पड़ गया, लेकिन जब आप यहाँ की अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस जगह का ये नाम कैसे पड़ा है। इस इलाके के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि ये इलाका काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध है, क्योंकि यहाँ पर कई बार असाधारण गतिविधियों को देखा गया है। ये जगह तब चर्चा में आई थी जब यहाँ उल्का पिंड गिरे थे। पहला उल्का पिंड 1938 में गिरा था और दूसरा 1954 में इस जगह से टकराया था। तभी से यहाँ अजीबोगरीब चीज़ें होने का दावा किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसके वजह से यहाँ किसी भी तरह की रेडियो फ्रिक्वेंसी काम नहीं करती। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि यहाँ कई सारे अजीबोगरीब लोगों को एक साथ गायब होते हुए देखा है। इस एरिया की सबसे पहली रहस्यमय घटना सन 1930 के दशक में घटी थी, जब पायलट फ्रांसिस्को सर्बिया इस एरिया के ऊपर से विमान उड़ा रहे थे। तब अचानक से उनके डिवाइस तेजी से अजीबोगरीब तरह से काम करने लगे, यहाँ तक कि प्लेन ने किसी भी तरह का रेडियो सिग्नल भेजना और लेना बंद कर दिया था, जिसके वजह से उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लेकिन ये पहले इंसान नहीं थे जिसने ये अनुभव किया हो। 1964 में पेमेक्स ऑयल नाम की कंपनी ने इंजीनियर हैरी डेला पेना को इस जगह को एक्सप्लोर करने भेजा कि यहाँ ऑयल की पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करना संभव है कि नहीं। लेकिन यहाँ एक्सप्लोरिंग करते समय उन्हें काफ़ी मुसीबत हुई। उन्हें यहाँ रेडियो सिग्नल मिल नहीं रहा था और जीपीएस कंपास भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। फिर कंपनी के लोगों ने जब इस 50 किलोमीटर के क्षेत्र पर रिसर्च करना शुरू किया तो वे बेहद परेशान हो गए, क्योंकि उनके सारे डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें एक भी रेडियो सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। और तभी से इस जगह को जोन ऑफ साइलेंस का नाम दिया गया। अगली घटना जुलाई 1970 में घटी। अमेरिकी सेना ने अपने ग्रीन रिवर बेस से एक परीक्षण के लिए मिसाइल लॉन्च की, जिसका टारगेट जोन ऑफ साइलेंस के पास का था। लेकिन लॉन्च करने के कुछ ही समय बाद अमेरिकी सेना ने मिसाइल से नियंत्रण खो दिया और मिसाइल जोन ऑफ साइलेंस में जा गिरी। दुर्घटना की वजह को पता लगाने के लिए अमेरिकी सेना उस जगह गए। वैज्ञानिकों को जांच के दौरान यह पता लगा कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, काम नहीं कर सकता। साइंटिस्टों के अनुसार यह जगह हाईली रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ यहाँ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड भी है, जिसके वजह से यहाँ एक प्रकार का डार्क जोन बनता है जो रहस्यमय तरीके से यहाँ बाहरी सिग्नल को निगल जाता है। वहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि ये जगह दूसरी दुनिया के परग्रही एलियंस के आने जाने का द्वार है। जोन ऑफ साइलेंस की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह मिस्र के पिरामिड और बरमूडा ट्रायंगल के समांतर आता है। ऑफिशियली आधिकारिक रूप से जोन ऑफ साइलेंस पर एलियंस के गतिविधियों के कोई प्रमाण नहीं मिले, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग न समझ आने वाली कई असाधारण घटनाओं के गवाह बने हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस जगह का एलियंस से कनेक्शन है? आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।